वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज से लेके कुछ चार महीनों पहले मैं इन सारे ऑस्कर फिशेस को लेके आया था अपने दोस्त के लिए, एंड उस टाइम से लेके अभी तक इनकी ग्रोथ काफी अच्छी खासी हो चुकी है। ऑफ कोर्स वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो जाके देख लेना। एंड इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के ज्ञान सुझाव पे, यानी कि कुछ पर्सनल टिप्स जो कि मैं सबको देता रहता हूँ जो ऑस्कर फिश रखना चाहता है और बहुत ही बढ़िया से रखना चाहते हैं। तुम लोग मुझे ऑस्कर लवर भी बोल सकते हो, क्योंकि जब भी मेरे से कोई आके पूछता है भाई मेरे पास 2 फीट का टैंक है, मेरे को उसमें मछली रखनी है, कौन सी बेस्ट मछली होगी, एंड अक्सर मेरा आंसर होता है ऑस्कर 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 ऑस्कर। एनीवेज यहीं पे था हम लोग का पहला नंबर ज्ञान, एक्वेरियम स्पेस। मैं खुद ऑस्कर 2 सालों से रख रहा हूँ एंड इतने ही टाइम में इनका साइज 3 इंच से 10 इंच हो चुका है। तो तुम डेफिनेटली एक मछली जो खुद 1 फुट की हो जाती है उसे तुम 2 फुट के टैंक में नहीं रखना चाहोगे। स्टार्टिंग के कुछ महीनों तक तो ठीक है, बट बाद में तुम्हें टैंक का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। बेस्ट होगा तुम स्टार्टिंग में मिनिमम 2.5 से 3 फीट का टैंक लो, मैक्सिमम तुम्हारी मर्जी। एंड 2.5 फीट का टैंक ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसमें 15-20 ऑस्कर डाल दो। ये 4 फीट का टैंक है एंड इसमें सिर्फ 6 ऑस्कर है, तो वैसे ही तुम लोग अपने टैंक के साइज के हिसाब से चूज कर लेना कि तुम्हें कितनी मछली रखनी है उसमें। और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर ज्ञान पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे ऑस्कर के ग्रोथ और हेल्थ के मामले में, जो कि है डाइट। अब तुम इस चीज को ऐसे समझो, ये जो ऑस्कर है वो तुम्हारे बच्चे है, ऑफकोर्स ये बच्चे अडॉप्टेड है पर अब वो तुम्हारे है, तो उस हिसाब से तुम जरूर चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे हेल्दी रहे और अच्छे से बढ़े, जिसके लिए तुम्हें उन्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाना पड़ेगा और अलग अलग टाइप का खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज खाकर के कोई भी बोर हो सकता है। तो हमेशा अलग अलग खाना, अगर बच्चे हैं तो 3 टाइम और बड़े हैं तो 2 टाइम डेली। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर ज्ञान पे, जो कि है टेम्परेचर। ऑस्कर एक्चुअली ट्रॉपिकल फिशेस है एंड ये थोड़ा गर्म गर्म पानी पसंद है, बॉइलिंग वाटर नहीं, जस्ट थोड़ा सा। तो ठंड के टाइम पे एक हीटर इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है एक्वेरियम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर ज्ञान पे, जो कि है सफाई अभियान। सच बताता हूँ 2-2 दिन पे पानी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 हफ्ते में 50% वाटर चेंज बहुत है, बट एक बढ़िया सा फिल्टर लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्कर फिशेस बहुत ही ज्यादा कचरा करती हैं और बहुत ज्यादा मारा पीटी भी। जिसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी ज्ञान पे, जो कि है बैकअप प्लान। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है, बट चांस लेने से अच्छा है एक बैकअप प्लान हो। तो जैसे जैसे ऑस्कर का साइज बढ़ता है उसका गुस्सा भी बढ़ता जाता है अपने इलाके को लेके। तो मान लो कि तुम्हारी कोई ऑस्कर फिश इंजर्ड हो जाती है तो उसे ट्रीट करने के लिए तुम्हारे पास कोई क्वारंटीन टैंक या फिर हॉस्पिटल टैंक रहना उस टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि तुम उसे सेपरेट करके अच्छे से ट्रीट कर पाओ, जिससे वो जल्दी रिकवर हो जाए, वजह उसे उसी टैंक में मरने के लिए छोड़ देने के। प्रॉपर मेडिकेशन और फिश के स्ट्रेस को कम करने के लिए भी तुम्हें थोड़ा सा रिसर्च और मेहनत करना पड़ेगा, बट बिलीव मी इट्स वर्थ इट। तो ये थे मेरे कुछ 5 टिप्स जिसे तुम चाहो तो फॉलो कर सकते हो, एंड इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक मार देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।